मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग प्रियांशी। गुड मॉर्निंग। आप रेडी हो चुके हो? ऑलमोस्ट। आज भाई को लेके जाने आए क्या? हाँ, आज मैं भाई को लेके जाने वाली हूँ। ये 5:30 से उठ चुका था और प्रियांशी को उठा रहा था, लेकिन प्रियांशी इतना अभी तुम स्कूल जाओगे तो वो सो जाएगा। मुझे भी नहीं डर है। बहुत मुश्किल से तुमने उठाया ना। पाउडर पिन लगाए? नहीं, अभी जाऊंगी। मेरा बैग ना बहुत भारी। मेरा आज साइंस का भी एक टेस्ट था, एक चैप्टर का, जिसका हम लोगों ने ट्यूशन में रिवीजन कर लिया था। फिर भी बैठ के हम लोग स्कूल में रिवीजन करने वाले हैं। दीदी को बेस्ट ऑफ लक बोल दो। कोयला करो ऐसे ऐसे। बेस्ट ऑफ लक। पता नहीं किस सोच में ये डूब गया। ऐसे देखो, वो सोच रहा है कि मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा मुझे भी स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ, तुम कोई वीआईपी तो हो नहीं। जाओ जाओ, तुम रेडी हो जाओ, मुझे उसको दे दो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी बच गया है दिन का 12 और आयंस का मालिश मैंने करवा के कर ली हूँ और उसको थोड़ा सा पोछा पोछी करके फ्रेश करके मैं इसको मतलब फीडिंग करा के सो गया है। अभी दोपहर को ही आराम से सोता है और मुझे आराम से मेरा काम करने देता है। प्रियांशी का वीडियो सारा है तो उसका शेड्यूल करना है, मेरा ब्लॉग का काम भी करना है, इसीलिए मैं लैपटॉप अभी ऑन की हूँ। एंड उसकी दीदी तो गई है सुबह से स्कूल, वो आएगी 2:30 बजे। आने के बाद फिर वो नहाती है, फिर खाना खाती है। हेलो फ्रेंड्स बोल दो आयांस। ये तो सोता रहता है और मुझे भी काम करना है। और उसकी दीदी आएगी तो पूरा 2:30 बज रहा है, तो हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, फिर वो आती है, नहाती है, फिर उसको मुझे खाना खिलाना होता है और फिर वो स्कूल एंड कोचिंग का होमवर्क होता है, करती है। दोपहर को भी रेस्ट नहीं। फिर 5:30 बजे उसका मॉडर्न डांस क्लास है। आज ट्यूसडे है तो आज है क्लास। फिर उसके बाद उधर से ही वो कोचिंग चली जाएगी, तो सीधा आएगी 9:00 बजे। तो प्रियांशी का बिजी शेड्यूल हो गया। आज मुझे पूछ रही थी कि मम्मी कुछ छुट्टी वुट्टी है क्या? कुछ भी छुट्टी अभी रिसेंटली है नहीं। एंड इतना गर्मी भुवनेश्वर में लग रहा है कि पूछो मत। बारिश तो हो ही नहीं रहा है, बहुत ही गर्मी। एंड मुझे भी बहुत गर्मी लग रहा है। मैं थोड़ा मेरा वीडियो का काम कर लेती हूँ, प्रियांशी आएगी तो फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मेरा आँख एक छोटा दिख रहा है और एक बड़ा दिख रहा है। आई थिंक ये वाला फूल गया है। आई डोंट नो, मेरी साइड में जो आज बैठी थी ना, कट करो, मैं साइड में जो आज बैठी थी ना उसका भी ऐसे हो गया था। शायद से उससे जंप हो गया है या समथिंग, बट मैंने आँख के अंदर कुछ घुस गया और मेरा आँख बहुत दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ना पता नहीं चल रहा था कि अभी मैंने मोबाइल खोला तो पता चला कि मेरे ये वाला आँख छोटा हो गया और ये वाला आँख बड़ा दिख गया, खुल गया क्या। बाय द वे, मुझे लिटमस पेपर लेना है और अभी मैं टीवी देख के चिप्स खाऊंगी, एंजॉय करूंगी। एंड उसके बाद मुझे लेने जाना है लिटमस पेपर, जो कि मैं 4-5 बजे अराउंड लेने चली जाऊँगी। एंड उसके बाद मुझे रेडी करना है टर्मरिक पेपर एंड हिबिस्कस का जूस, रेड हिबिस्कस का जूस। तो क्योंकि कल हम लोग क्लास में, साइंस क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं स्कूल में, वो सारी चीज़ें हम लोगों को लेके जानी है। मेरे साथ में मैं क्या करने से होगा, लेकिन मुझे मम्मी को बोलना पड़ेगा। शायद मुझे जंप हो गया या आय का कुछ इन्फेक्शन। इधर पूरा लाल लाल हो गया नर्व्स साइड वाला, देख रहे हो सर का वाइट है, सर को कुछ नहीं हुआ। लोग बनाएंगे चाइना रोज इंडिकेटर, जिसके लिए हमें चाहिए हिबिस्कस। चाइना रोज इक्वल्स टू हिबिस्कस इक्वल्स टू मंदारा फूला, बट आई डोंट थिंक सो। हमारे पास कोई हिबिस्कस फ्लावर है? आई गेस इट नहीं है। हाँ, हिबिस्कस का फूल उगता है लेकिन पता नहीं, नहीं उग रहा है अभी के लिए। इधर भी नहीं है फिलहाल कुछ हिबिस्कस प्लांट्स, उधर भी नहीं है। मैं कहाँ से लेकर आऊँ?
यहाँ ये फूल भी फूटेगा, अभी तक नहीं हुआ है, ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसको लेके शायद से ट्राई कर सकते हैं, लेट्स ट्राई अगर होता है तो। लोग इंडिकेटर बनाने वाले हैं और ये मेरे ये फूला हुआ आँख को इग्नोर करना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर के लिए। तो अभी एक्टिविटी घर में भी कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि मत करो, इससे अच्छा अपने स्कूल का होमवर्क कर लो। करके क्या ही मिलेगा ये करके, बहुत कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा ये करके। जस्ट फॉर दैट ओके, तो अभी ये बॉइलिंग वाटर में हमें हमारा ये रेड कलर का, स्पेसिफिकली रेड कलर का ले सकते हो, या फिर कोई और कलर का भी अगर आपके पास है देन यू कैन टेक, नो ऑफेंस। ये बिस्कस ही है ना, हिबिस्कस ही है ना, आई होप दिस इज हिबिस्कस, और यू कैन सी माय ब्लड फ्लो। ए मेरा हाथ से गया, आई डोंट नो ये इतना सा हिबिस्कस ये पानी को रेड करेगा कि नहीं, बट वी हैव टू मेक एन इंडिकेटर। तक ये रेडी होता है तब तक हमें एक और इंडिकेटर बनाना। ट्यूशन अभी तक पिंक नहीं हुआ है, लेकिन जो फ्लावर्स थे उससे उसके पिंक कलर तो जा चुका है, तो चलो एक वे है पता करने का कि ये रेडी हो चुका है कि नहीं। ये जो है हमारा चाइना रोज का जूस या फिर वाटर जो भी आप बोलोगे, दिस इज एन इंडिकेटर। बेसिकली इसका काम ये है कि अगर हम इसको कोई भी सब्सटेंस में जानेंगे, उसका कलर डालेंगे, उसका कलर चेंज होगा, और वो बताएगा, वो इंडिकेट करेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो यहाँ मेरे पास है एक बेसिक सब्सटेंस, बेसिकली इसको अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो इसका कलर जो है वो हो जाना चाहिए ग्रीन। तो लेट्स ट्राई, होपफुली हो जाए। आओ गरम था, प्लीज हो जाना। ये सोप एंड वाटर मिक्सचर है, क्या कुछ चेंजेस हुए? कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, ये सर ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये बिस्कस नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो विच मीन्स हमारे इतने से फूल में ही बिस्कस का कोई जूस नहीं बन सकता। जो हुआ सो हुआ, अभी हम लोगों को बनाना है टर्मरिक पेपर, मतलब हाँ पेपर को हम लोग डालने वाले हैं टर्मरिक में, और उसी चीज़ को हम लोग सुखाने वाले हैं। तो मैं कट करने वाली हूँ 3 strips ऑफ पेपर, और बाकी जो है ये होगा मेरा रफ पेपर, बिकॉज वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। एंड अभी हमें चाहिए हल्दी, AKA टर्मरिक। कटोरा कटोरा दे दीजिए, कटोरा वी विल टेक्स हम हल्दी, इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, मैं ऐड करके आती हूँ। बेस में है हल्दी एंड पानी, तो अभी मैंने लिया है एक प्लेट, इसमें बिछाने वाली हूँ ये पेपर, और उसके ऊपर हम लोग डालेंगे हमारे ये टर्मरिक, विच इज व्हाट आई डोंट रिमेम्बर, याद कर रखना कि ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना हमारा जो टर्मरिक अगर ज्यादा गीला होगा तो वो हमारे पेपर को फटा देगा। सो या आओ, मेरा हाथ हल्दी लग चुका है, आयो सॉरी टू कीप यू गाइस वेटिंग, बट हो गया। अभी इस चीज को हम लोगों को सुखाना है। आओ आओ, बंद कैसे करूँ ये? मुझसे छोटे हैं, मतलब 7th class में नहीं है, लोगों को शायद ना पता हो, बट ये टर्मरिक पेपर का हम लोग क्या करने वाले हैं मैं बता देती हूँ। इसमें ना हम लोग कोई बेसिक सब्सटेंस डालेंगे,
फॉर एग्जाम्पल सोप एंड वाटर का सोल्यूशन, तो हम लोगों ने नोटिस किया होगा जब आपके वो ड्रेस में गलती से हल्दी लग जाता है, तो जब आप लोग अगर धोते हो अपना कपड़े खुद और वॉशिंग मशीन में नहीं देते हो, तो जब आप उस पर साबुन लगाते हो तो उसका जो कलर है वो काइंड ऑफ रेडिश हो जाता है इसलिए, और उसके ऊपर वापस से आप जब लेमन डाल देते हो, लेमन पता नहीं कौन क्यों ही डालेगा बट फिर भी, तो उसका कलर वापस से येलो हो जाता है। तो हम लोग ये कुछ स्ट्रिप्स लेने वाले हैं टर्मरिक पेपर का खुद बना के घर में, तो और हम लोग लेने वाले बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट, नमक, लेमन, विनेगर, 3 डिस्पोजेबल ग्लास एंड एक ओल्ड न्यूज़पेपर। तो टर्मरिक जो है वो ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है जब आप उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस लगाते हो, और बेसिक सब्सटेंस सोप होता ही है, और जब उसमें आप लोग एसिड डालते हो या फिर लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, तो उसका कलर वापस से येलो हो जाता है। यू कैन थैंक मी लेटर, अगर आपका ये सिलेबस में है और मैंने आपको थोड़ा सा बहुत एग्जाम्पल बता दिया, देन यू कैन थैंक मी लेटर, ठीक है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सही से लिखना, ठीक है? आइसक्रीम के डब्बे के अंदर लेके जा रही हूँ मैं। सो मैं अभी थोड़ी देर में रेडी होके जाने वाली हूँ लिटमस पेपर लाने, ये आजकल कुछ दुकानों में हर एक जगह साइकिल चला के जाऊँगी, घूम घूम के आऊँगी, मेरा पैर को दुखा के आऊँगी, और आज मैं डांस क्लास नहीं जाने वाली हूँ, प्लीज चल में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आज चश्मा पहन के जाने वाली हूँ। धिपगिरी बोलते हैं इसको हम लोग, ब्लिंक करने से भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, तो मैं अभी रेडी होंगी, लिटमस पेपर लेकर आऊँगी, और अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि लर्न विद प्रियांशी चैनल में अगर आप लोग कुछ साइंस रिलेटेड ऐसे केमिकल सॉल्यूशन केमिकल एक्सपेरिमेंट्स देखना चाहते हो, मुझे बस एक रैंडम आइडिया आया है वीडियो के लिए, अगर आप लोग हाँ बोलोगे और चाहते हो कि मैं वैसा कोई वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, और अगर आप बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे तो मैं मेरे चैनल में वैसा कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। वो अयांश के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। आर यू हेलो 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 वेक अप वेक अप, कितना सोते रहते हो तुम, जब भी देखो सोते रहते हो, रात को देखो सोते रहते हो, ट्यूशन से आओ सोते रहते हो, इवनिंग को देखो सोते रहते हो, उठो दीदी उठो। सोना मेरा काम है। वो बोल रहे कि आप बोल रहे हो? उसकी मम्मी बोल, उसकी देखो कैसा मुंह बनाता है ये जब इसको सुन, मैं कितना काम करता हूँ फिर भी ये जो मुझे छोड़ने नहीं देते हैं। देखो हाथ कैसे पकड़ लेता है, कहाँ पकड़ रहा है आज नहीं अभी अभी सो रहा है, पकड़ लिया तो पकड़ लेता मेरा भी हाथ पकड़ सकता है, पकड़ो दीदी का हाथ, दीदी का पकड़ो, अभी उठेंगे क्या करता हूँ हमेशा ये ऐसे करता हूँ। आई हाय दैया ये क्या हो गया, हाय दैया दीदी परेशान कर रही है, काली चलते रहते हो तुम, ये ऐसा मुंह क्यों बना देते हैं? देख अंश क्या बोलेगा, प्रियांशी दीदी मुझे सोने नहीं देते हैं, सुबह सुबह उठा देते हैं, दोपहर को उठा देते हैं, इवनिंग को उठा जब मैं आती हूँ स्कूल या ट्यूशन से तो तुम जगे रहना चाहिए ना, ताकि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ, और मेरे रात को सोने टाइम में अगर तुम जगोगे तो क्या ही होगा, आपके सोने टाइम में वो जगेगा, अभी तैयारी कर रहे हैं रात के लिए। ओ प्रियांशी दीदी आप क्यों मुझे सोने नहीं दे रहे हो? क्योंकि मुझे मजा आता है ये करने में, उठाने में। ओहो ओहो ये दीदी तो परेशान करते रहते हैं, ये बिल्कुल आयु जैसा दिख रहा है, आयु। अरे 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 उठाओगे क्या इसको, ऐसे पैर के पीछे ऐसे कुछ कुछ करने से उठ जाता है, और इसका आईब्रो में ऐसे ऐसा करने से ये सो जाता है, उसको सुलाने की कोई कोशिश करना ही नहीं है, बस झुला दो तो सो जाता है। जल्दी उठो, छी तो थूक निकाल रहा है, वो तो छोटे बच्चे करते हैं, मैं अभी करूंगी तो सब चीज ही बोल। गुड इवनिंग प्रियांशी दीदी, आप रेडी हो रहे हो? आपकी दीदी थोड़ी, आयांश की दीदी हो, अंश की दीदी हो, हमारा अंश क्या कर रहा है? वो अबे अपने दादी नानी के साथ बैठा, उनकी दादी नानी चपड़ चपड़ कर रही है, बेचारे सोने के लिए अगर चाहते भी है तो वो सो नहीं सकता।
लेकिन मैं उसको जानबूझ के मत सो बोल रही हूँ, क्योंकि दोपहर सारा हाँ, ताकि उसका नींद खोले और थोड़ा वो बातचीत सुने, ताकि वो रात को सोए आराम से। नहीं तो अभी वो सोएगा दिन भर और रात को मुझे परेशान करेगा ना। तुम लोग तो सब सो जाओगे, हाँ इसीलिए। अच्छी अच्छी काम की हो ना। हाँ, तो हर एक काम अच्छा। अच्छा तो अभी मैं इसको इधर दी हूँ ताकि वो जगे। जग रहा है, सो रहा है। देखो प्रियांशी, जानबूझ कर उसको मैं जगा रही हूँ। तो हम चलते हैं इस प्लैनेट को। पानी बोतल लेके जाओ। और इधर दादी नानी बातचीत कर रहे हैं और अंश को पढ़ने जा रही हूँ। झूठ बोल रहे हो। को उठाओ, मैं बोल रही हूँ, सोने मत दो, क्योंकि दिन सारा वो सो रहा है ना। अभी जितना जो चाहे जैसे चाहे उसको जगाओ। आयांश का न्यू बेड निकाला गया अभी उसके लिए, और देखिए फ्रेंड्स कितना आराम से सो रहा है अंश अपने न्यू बेड में, क्योंकि वो अकेला ज़्यादा टाइम सो रहा है और मच्छर फच्छर हो जाएंगे। इधर तो भुवनेश्वर में डेंगू फैल रहा है, इसीलिए हम ये लाए हैं ताकि वो सेफ्टी में सो जाए। देखिए उसकी दीदी आएगी तो देखेगी, वो तो ट्यूशन गई है, आने से वो देखेगी। हेलो, आई एम बैक फ्रॉम ट्यूशन। और मेरे आँख की हालत बहुत गंदी हो रही है। अब ये देख रहे हो, इधर पूरा लाल हो चुका है, फूल चुका है मेरा आँख। आई थिंक मेरी साइड ने जो आज बैठी थी ना, उसको भी उसको आँख भी ऐसा हुआ था, लाल नहीं हुआ था, लेकिन उसका मेरा एक आँख वाइट दिख रहा है, एक आँख लाल दिख रहा है। मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था, ट्यूशन में भी अच्छा नहीं था, तो आँख इतना दुख रहा था ना, फिर भी मैं बैठ के जो पढ़ी हूँ, और मेरा आँख को और पूरे टाइम मुझे ऐसे कवर करना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने जो चश्मा पहना था मुझे एक्चुअली ब्लैक चश्मा पहन के जाना चाहिए था, मुझे पता नहीं था अकॉर्डिंग टू माय एसएसटी मैम। और हाँ, इसलिए मैं आज लास्ट बेंच पे बैठी थी, सबसे अलग। कोई बात नहीं, चल रहा है, आई होप ये कब तक ख़त्म हो जाए। पापा मेडिसिन लेकर आए हैं तो वो मैं लगाऊंगी, आई ड्रॉप्स भी लगा रही थी मैं। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, कल हमें कुछ कुछ चीज़ें लेकर जानी थी स्कूल, बट मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानबूझ के नहीं जा रही हूँ, ठीक है? अगर कोई भी मेरे स्कूल से देख रहा है, मैंने देखो आग में पूरा इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं जा सकती हूँ। तो ट्यूशन, आई होप अगर दिन तक मेरा आँख का हालत थोड़ा ठीक हुआ तो मैं ट्यूशन जाऊँगी, और अगर मेरा ट्यूशन का टेस्ट भी है, ट्यूशन का टेस्ट नहीं, ट्यूशन में टेस्ट है इंग्लिश का, अगर मेरा आँख ठीक हुआ तो मैं जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी, क्योंकि एक टेस्ट मेरे आँख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं मम्मी को बोलूँ टेस्ट है और मैं कल ट्यूशन नहीं जाऊँगा, मतलब देखना पड़ेगा, अगर मेरा आँख ठीक हो जाता है तो मैं क्यों नहीं जाऊँ। बस भगवान में बस भगवान को प्रे करते हैं कि मेरा आँख जो वो ठीक हो जाए। दुख रहा है बहुत, मेरे लेफ्ट आँख में हुआ ये वाला, और मैं जो राइट आँख है वो ठीक है, ये राइट आँख है ना मेरा, हाँ ये राइट आँख है आपके लिए, ये आप जो देख रहे हो ये मेरा लेफ्ट आँख होगा, ये मेरा राइट आँख होगा आप देख रहे हो, बट एक्चुअल में मेरा राइट आँख ठीक है, मेरा लेफ्ट आँख जो वो सूज गया है। तो अभी मैं ब्लॉग एंड करने के लिए आई थी, इसके बाद मैं जाऊँगी और मेडिसिन लगाऊँगी। मैं खा भी ली हूँ रोटी और पनीर, मेरी आंटी ने दिया था, और कल मैं स्कूल नहीं जाने वाली हूँ, कल लेने वाली हूँ मैं रेस्ट। लगातार डस्ट
इसका कटोरा गिरा। एनीवे मेरे आँख से लगातार ना डस्ट निकल रहा है मेरे आँख से। बस चाहती हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाए। मुझे तीन चीज़ें मेरे बॉडी में जब वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी ये एक और हो गया, एंड हो गया फोर। जब मेरा ना थ्रोट ख़राब हो, मतलब जब थूक में निकलती हूँ ना, आई थिंक आप सभी को ये बहुत ग्रोस घटिया लगने वाला है, डिसगस्टिंग लगने वाला है, बट जब मैं थूक निकलती हूँ और यहाँ गला बैठ जाता है समथिंग, ठंडा पानी ज़्यादा पी लेने से, मोस्टली विंटर्स में होता है, आई हेट दैट। और मेरे मुँह में जब छाला हो जाता है, जब मैं मेरा ऐसे अंदर का मुँह को चबा लेती हूँ अपने दांत से, वो मुझे बहुत घटिया लगता है। और एक है जब मेरा नाक बंद हो जाता है, और या फिर मेरे पैर हाथ में कहीं चोट लग जाता है। नहीं, थर्ड था जब मेरा तबीयत ख़राब होता है, और फोर्थ अभी ये एक न्यू ऐड हुआ है जब मेरा आँख ऐसा होता है। मैं मम्मी बोल रही थी उनको भी होता था। हमारे ट्यूशन मैम ने बोला कि वो पेट गर्म होने की वजह से हुआ है, आँख में डस्ट जमने की वजह से हुआ है। तो विश मैं कल स्कूल जा पाती, कल साइंस क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला था, बट मैं ऐसा आँख लेके नहीं जाने वाली हूँ। और अगर मैं ऐसा आँख लेके भी जाऊँगी तो फिर मेरे साइड में जो बैठे होंगे या फिर मेरे आगे पीछे मेरे नए सराउंडिंग में जो लोग बैठे होंगे, लाइक उनको भी तकलीफ हो सकती है, उनका भी ऐसा हो सकता है जैसे मेरा हो गया। नो प्रॉब्लम, मैं अभी फिलहाल जाने वाली हूँ सोने मेडिसिन लगा के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग टू क्लियर, एंड लेट्स प्रे कि मेरा आँख ठीक हो जाए। और अंश जो है वो अभी सो रहा है, और हम लोगों ने अंश का एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है, मम्मी ने खोला है, जो कि है अयांश _ क्यूट बॉय, BOY नॉट BOI। I'll see you guys in the next vlog. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। स्क्रीन से नहीं ट्रांसमिट होने वाले, नहीं नहीं होने वाले। आप लोग अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, खुश होते रहना। बाय।